लवली फाउंडेशन के राज्य महासचिव बिलाल शाह ने राज्य अध्यक्ष लालू, जिला अध्यक्ष अनीता शर्मा एवं जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष रेखा बिष्ट की सहमति से गुमारवी के ग्राम पंचायत मेहरी कातला में गांव परनाल नल्टी के मुस्कान लाडली फाउंडेशन गुमारवी ब्लॉक उपाध्यक्ष नियुक्त। गौरतलब है कि मुस्कान कई वर्षों से प्रमुख सामाजिक संस्था रेनबो स्टार क्लब एवं लाडली फाउंडेशन के साथ मिलकर सामाजिक कुरीतियों को जड़ से उखाड़ने के लिए हमेशा कटिबद्ध रही है। महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, पर्यावरण संरक्षण, वन संपदा संरक्षण, कुष्ठ रोग की जागरूकता, कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम जैसे सामाजिक कार्यों में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई है। लाडली फाउंडेशन की नवनियुक्त गुमारवी ब्लॉक अध्यक्ष मुस्कान का कहना है कि भविष्य में उनका यही उद्देश्य है कि कोई भी सामाजिक विसंगति ना हो, कोई भी गरीब भूखा ना सोए और कमजोर वर्ग को न्याय मिल सके, इसलिए वह हमेशा प्रयासरत रहती है। नमस्कार, मैं मुस्कान जिला बिलासपुर के घुमारवी से लाडली फाउंडेशन के चेयरमैन एवं राज्य अध्यक्षा आदरणीय मैडम शालू जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे लाडली फाउंडेशन के घुमारवी ब्लॉक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। और मैं लाडली फाउंडेशन को वादा करती हूँ कि जो जिम्मेवारी उन्होंने मुझे सौंपी है, जैसे कि महिला सशक्तिकरण, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, नशा मुक्ति अभियान, इन सब कार्यों को मैं तन मन धन से करूंगी। और मैं अपने युवा साथियों को एक संदेश जरूर देना चाहती हूं कि युवा साथी नशे की दलदल में ना फंसें, क्योंकि हमारे आने वाले युवा ही हमारे देश का भविष्य है। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। R9 भारत के लिए विनोद चड्डा की रिपोर्ट, कुठेरा बिलासपुर। विश्व हैंडबॉल दिवस पूरे विश्व में बड़े हर्ष के साथ मनाया गया। भारतीय हैंडबॉल संघ के द्वारा भारत के सभी राज्य, जिला एवं अन्य ने हैंडबॉल दिवस अपने अपने स्तर पर मनाया। विश्व ने अपनी एक अलग ही पहचान बना चुकी है। मोरसिंघी हैंडबॉल नर्सरी में संचालिका व कोच अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी स्नेहलता व उनकी खिलाड़ियों ने भी केक काट कर व मिठाई बांट कर हैंडबॉल दिवस मनाया। केक पर हैंडबॉल मैदान का चित्र बना हुआ था, जिसमें नर्सरी की खिलाड़ी। इस अवसर पर मोरसिंघी हैंडबॉल नर्सरी की संचालिका स्नेहलता ने सभी खिलाड़ियों से कहा कि सभी कड़ी मेहनत कर अपने खेल पर ध्यान दें व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल कर अपने और एकेडमी के साथ ही राज्य व देश का नाम रोशन करें। बता दें कि मोरसिंघी हैंडबॉल नर्सरी से अभी तक 18 से करीब महिला खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा दिखा चुकी है। नर्सरी ने सब जूनियर, जूनियर व सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक भी जीत चुके हैं। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी, भारतीय हैंडबॉल संघ के सदस्य कोच स्नेहलता, अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल खिलाड़ी निधि शर्मा आदि सभी खिलाड़ी मौजूद रहे। R9 भारत के लिए विनोद चड्डा की रिपोर्ट, बिलासपुर।